चले अगर अपन क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखें, किसके, सर्कल्स के और टेंजेंट टू सर्कल्स के, टेंजेंट टू सर्कल्स का लेक्चर नंबर तुम्हारा क्या चल रहा है, टू, एनसीईआरटी कि अपन एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर फोर से शुरुआत करते हैं। आपको बोल के रखा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। बहुत इजी क्वेश्चन, एक स्टेप का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ उसमें एक प्रॉपर्टी लिखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर ये सर्कल है समझ लो और ये डायमीटर क्या ए ओ बी, तो सर अगर ए ओ बी डायमीटर है और अगर यहां से कोई टेंजेंट बनता है, लेट्स से अगर अपन बात करें, अगर यहां से कोई टेंजेंट बन रहा है, लेट्स उसका नाम देते हैं पी क्यू, और यहां से अगर कोई टेंजेंट बनता है तो उसका नाम दे देते हैं सी डी, कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। तो बोलना चाहते हैं कि प्रूफ करो कि पी क्यू पैरेलल टू सी डी, हम तो एक ही बात बोले। मैं बोलना चाहता हूँ एंगल ए इज इक्वल टू कितना, 90, एंगल ए इज इक्वल टू कितना, क्यों, टेंजेंट टू रेडियस, टेंजेंट टू व्हाट, रेडियस। ऐसे ही मैं बोलना चाहता हूँ कि एंगल बी भी यहां से क्या हो जाए 90, एंगल बी भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है टेंजेंट टू रेडियस, ये भी क्या है टेंजेंट टू रेडियस। तो अगर यहाँ पे 90 और यहाँ पे क्या होगा 90, अपन बोल सकते हैं क्या, एस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल, एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल। तो सर अगर ये आंख मारने वाले एंगल आपस में कटक इक्वल है 90-90, लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो उन्होंने यही तो प्रूफ करने के लिए था कि बोलो प्रूफ करो कि पी क्यू पैरेलल टू कितना, सी डी। तो क्या पी क्यू पैरेलल टू सी डी हो गया, द आंसर इज यस। बस एक ही लाइन लिखनी है कि एंगल ए भी 90 और एंगल बी भी कितना है 90, क्योंकि टेंजेंट टू रेडियस। अब आपसे पूछते हैं कि प्रूफ दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट, अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट पासेस थ्रू द सर्कल, पासेस थ्रू द सेंटर। वैसे तो थ्योरम ही ऐसे बोलती है, फिर भी अगर मैं बात करूं, वो बोल रहे हैं कि समझो ये एक टेंजेंट है, मान लो कि पी क्यू एक टेंजेंट, ठीक है ना, और यहां से जो भी परपेंडिकुलर बनाओगे वो पास करेगा कहां से, सेंटर से। प्रूफ करो, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो इसके अंदर कि अगर अपन बात करें परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या, मैं परपेंडिकुलर सॉरी टेंजेंट टू, आपसे लिख दो इसके अंदर क्या, टेंजेंट टू रेडियस होता ही कितना 90, तो आप सीधे लिख सकते हो इसके अंदर कि टेंजेंट टू रेडियस हमेशा कितना होता है 90 डिग्री। तो इफ अप एनी लाइन, एनी परपेंडिकुलर, एनी परपेंडिकुलर फ्रॉम टेंजेंट टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एनी परपेंडिकुलर फ्रॉम टेंजेंट टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पासेस, या क्या बोलूं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वुड बी द, क्या होगा वो हमेशा, अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, रेडियस, वुड बी द रेडियस ऑफ सर्कल, वुड बी द रेडियस ऑफ सर्कल, और रेडियस, रेडियस ऑलवेज पासेस थ्रू सेंट, रेडियस ऑलवेज पासेस थ्रू सेंट। तो क्या सर इस क्वेश्चन को अर्थात था क्या, कुछ नहीं, वो बोलना चाहते कि जो परपेंडिकुलर बनता है वो सेंटर से पास होता है, तो उसको अपन ने पहले लाइन में बोलते थे कि टेंजेंट टू रेडियस हमेशा कितना होता है 90, मतलब अगर तू यहाँ से कोई भी 90 डिग्री कोई भी लाइन बनाएगा तो वो कहीं ना कहीं रेडियस होगी, क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है, और वो रेडियस होगी तो पास कहाँ से करेगी, सेंटर से। सर ठीक है, अच्छा है, अगला क्वेश्चन और ईजी है अगर मैं बात करूँ तो सर ठीक है ना, करते हैं, मैंने बोला हाँ करते हैं, मैं आपको तीनों क्वेश्चन को साथ में करने का मौका भी दूंगा। सर अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, अगर मैं लेके चलूं
तो क्वेश्चन नंबर सिक्स कुछ इस प्रकार से है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 4। तो ऐसा बोलना चाहते हैं कि अगर ये सर्कल है तो ये पॉइंट पी है और वो बोल रहे हैं लेंथ ऑफ अ टेंजेंट इज 4 एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब ये कितना है 5, वो बोल रहे हैं रेडियस निकालो। मैंने बोला ऐसे में क्या मतलब, रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस कितना 4 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है 90, हाँ कि ना। तो मेरे ख्याल से रेडियस कितना हो जाएगा आपके पास 3, तो इस क्वेश्चन का रेडियस कितना हो जाएगा आपके पास 3, सही है क्या यहाँ का। दिस वॉज फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन, एक बार ट्राई करो फिर आगे बात। चलें क्या दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7, तो काफी इजी है, तो लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर 7। आपको देखे रखा है दो कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं विद रेडियस कितना, अगर मैं बात करूं तो दो कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक का तो रेडियस कितना है 3 और दूसरे का रेडियस कितना है आपके पास सर, दूसरे का रेडियस अगर अपन बात करें तो दूसरे का रेडियस है आपके पास 5 सर, ठीक है। एक सर्कल का रेडियस कितना है 3 और दूसरे सर्कल का रेडियस कितना है 5 सर, अच्छी बात है। एक सर्कल का रेडियस कितना है आपके पास 3, ठीक है, और दूसरे सर्कल का रेडियस कहीं ना कहीं आपके पास कितना है 5। आपसे पूछा है Find the length of the chord which touches the smaller circle. मतलब आपसे उन्होंने A B की डिमांड करी। हमने बोला देखो इतना इजी तो हमको पता है। सबसे पहली बात तो हम बोलेंगे D क्या है 90। Angle D is 90 क्यों? क्योंकि tangent to radius. Tangent बन रहा है ना? Tangent to radius. तो smaller circle के लिए क्या है? Tangent. हाँ कि ना? तो ये D 90. फिर मुझसे कोई पूछेगा कि AD का मतलब क्या, बोलूँगा AD का square is equal to कितना? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इट इंप्लाइज AD इज इक्वल टू कितनी आ गई 4। AD इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी भाई 25 माइनस 9, तो सर AD कितनी हो गई 4। फिर मैं बोलूंगा AD इज इक्वल टू कितना, AB इज इक्वल टू 4, क्योंकि हम बचपन में पढ़ चुके हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द, ठीक है ना। तो सर अच्छी बात है, मैंने बोला हाँ, इसका मतलब पूरी AB इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू कितना 8, 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू कितना 8 सर, मतलब पाइथागोरस लगाई और आपने आंसर निकाल लिया। मैंने बोला हाँ, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना था। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7 विद यू, ठीक है ना। अभी सर आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 और 11 साथ में करेंगे, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 कराऊंगा फिर उसके साथ ही मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि अ क्वाड्रिलेटरल इज, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ठीक है सर। एक क्वाड्रिलेटरल है जो एक सर्कल को टच करते हुए बन रहा है, ठीक है ना। और ये पॉइंट्स दे दिए उसने पी क्यू आर और एस। टू प्रूफ में उसने बोल दिया है, टू प्रूफ में उसने बोला है प्रूफ करो कि ए डी प्लस ए बी प्लस सी डी, मतलब ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। इन शॉर्ट वो ये बोलना चाह रहा है ये साइड मतलब ए बी और सी डी इज इक्वल टू कितना है ए डी और बी सी। हमने बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्ट करेंगे कुछ बातों से और बातों में आप सबका साथ चाहिए। सर कैसा कैसा, मैं बोलना चाहता हूँ क्या मैं बोल सकता हूँ ए एस इज इक्वल टू ए पी, सर दोनों क्या होंगे टेंजेंट टू रेडियस, टेंजेंट टू द सर्कल। तो सर इसमें आप थ्योरम कौन सी लगाने वाले हो, बता रहा हूँ मैं थ्योरम लगाने वाला हूँ, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल, तो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज, आर व्हाट ऑलवेज इक्वल। सर
यहां से ए से एस बन रहा है और यहां से ए से क्या बन रहा है पी, तो एस इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू एक्स। सर फिर क्या बोलना चाहते हो? मैंने बोला यहां से बोल दो, क्या बोल सकता हूं बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, क्या इसको वाई और इसको वाई भी बोल सकता हूं? हाँ सर, वापस से थ्योरम क्या, वही टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम वॉट, ठीक है। फिर सर फिर क्या बोलोगे? फिर बोलना था सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर इज इक्वल टू कितना जेड, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर इज इक्वल टू कितना जेड, सर ठीक है। फिर क्या है डी आर इज इक्वल टू कितना डी एस, डी आर इज इक्वल टू डी एस, डी आर इज इक्वल टू डी एस इज इक्वल टू मान लिया डब्ल्यू, क्या मान लिया अपन ने? अब तुम खुद ही बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं पूरे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए, क्या ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी कितना हो रहा? देखो सर ए बी का मतलब है x प्लस वाई, मैंने बोला ठीक है, और बताओ सी डी का क्या मतलब है z प्लस w, और बताओ ए डी प्लस बी सी, बता ए डी का क्या मतलब है और सी डी का मतलब क्या, बी सी का क्या मतलब है y प्लस z, हाँ कि ना, के दोनों आपस में इक्वल हो गए, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, यहाँ पे भी क्या है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस, हैंस प्रूव्ड। तो सर आपने तो एक ही प्रॉपर्टी से काम कर दिया, मैंने हाँ चले ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, इनको इक्वल कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम, बस क्वेश्चन नंबर 11 ये बोलता है कि अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम होता तो क्या होता। हमने बोला देखो यार अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम होता, अगर ए बी सी डी क्या होता, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 11 में सिर्फ क्या बोला गया है कि ए बी सी डी क्या होता पैरेललोग्राम, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि सिर्फ ए बी सी डी अभी क्या है क्वाड्रिलेटर, क्या है क्वाड्रिलेटर। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल सेम, बस बताना क्या पड़ेगा कि भाई देखो अगर ये पैरेललोग्राम होता ए बी सी डी क्या होता, ए बी सी डी क्या होता पैरेललोग्राम, तो क्या अपन बोल सकते थे ए बी और सी डी आपस में इक्वली होती, हाँ कि ना, अरे ए बी और सी डी आपस में क्या होती इक्वल, अपन ए बी को क्या मान लेते ए और सी डी को भी क्या मान लेते ए, हाँ कि ना, तो ये दोनों साइड क्या बोलते थे ये भी ए और ये भी कितनी ए, तो अपन बोल सकते थे ना ए बी प्लस सी डी मतलब क्या ए प्लस ए, और क्या ये भी इक्वल होती अगर पैरेललोग्राम होता तो ए डी और बी सी आपस में इक्वल होती क्या, इसका नाम देता हूँ बी, इसका भी क्या नाम देता हूँ बी, तो फिर अपन क्या बोलते बी प्लस बी, ए डी को क्या बोलते बी और बी सी को भी क्या बोलते बी, तो ए प्लस ए इज इक्वल टू कितना बी प्लस बी, इसका मतलब टू ए इज इक्वल टू कितना टू बी, टू ए इज इक्वल टू कितना टू बी, क्या बोलूं ए इज इक्वल टू कितना बी। और दोस्तों अगर ए और बी आपस में इक्वल हो गए तो क्या ऑल साइड्स इक्वल हो गई क्या, अगर सर ए और बी आपस में इक्वल हो गए तो सारी साइड्स क्या हो गई इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर व्हाट, अगर ऑल साइड्स इक्वल हैं तो क्या ए बी सी डी रोम्बस कह सकते हैं अपन उसको। तो यहाँ पे आपकी जैसे ही ऑल साइड्स इक्वल हो गई, सर स्क्वायर के लिए 90 डिग्री प्रूफ करना जरूरी है, अभी स्क्वायर है कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल यू कैन से ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। सर काफी अच्छा क्वेश्चन बनने वाला, हाँ मुझे तो अच्छा लगा, एक बार आप भी चेक करो। दोस्तों अब अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 9th की और 13th की, क्वेश्चन नंबर 9th और 13th भी सेम है, पहले क्वेश्चन नंबर आप बोलोगे तो 13th पहले करा रहा हूं, लेकिन आप उस 13th और 9th को साथ में ही समझना और सेम ही समझना, तो सर ठीक है क्वेश्चन नंबर 9th और 13th हम लोग ले रहे हैं ऑन द बोर्ड, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9th और 13th, ठीक है, चले पहले क्वेश्चन नंबर 13 के लेंगे समझाता हूं फिर क्वेश्चन नंबर 9 के लेंगे समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब अगर मैं बात करूं कि कोई क्वाड्रिलेटरल अगर किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब अगर ये मैं आपसे बात करूं कि ए
बी सी डी अगर क्वाड्रिलेटरल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नाइन्थ और थर्टीन बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है बट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, तो अगर मैं बात करूं ऐसा अगर किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो वो ये बोलना चाह रहे हैं कि अपोजिट साइड्स सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगी। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रहा है कि प्रूफ करो कि ये जो एंगल कौन सा है ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 है, या वैसा वैसा ये प्रूफ कर दो कि एंगल सी ओ बी, सी ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू कितना है 180, ये प्रूफ करवाना चाहते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं और सिस्टमेटिक बात करूं तो मैं थोड़ा सा गेम को इस तरफ ले आना चाहूंगा आपके इच्छा अनुसार कि मैं यहां से इस रेडियस को ज्वाइन करना चाहता हूं, यहां से इस रेडियस को ज्वाइन करना चाहता हूं, यहां से इस रेडियस को ज्वाइन करना चाहता हूं, इवन वहां से भी इस रेडियस को ज्वाइन करना चाहता हूं। ठीक है क्या सर? ठीक है, मतलब ये बात भी सही। अभी कहने का मतलब है मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूंगा, थोड़ा सा अगर आप मुझे हेल्प करना चाहें इस क्वेश्चन में तो क्वेश्चन की जो हेल्प होगी वो इस प्रकार से होगी कि मैं चाहता हूं आप घूर घूर के देखें ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी ओ सी एंड ट्राइंगल सी ओ क्यू, मतलब ये ट्राइंगल बनो ये ट्राइंगल। मैं वही बात बोलूंगा जो हमेशा बोलता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ सी पी इज इक्वल टू सी क्यू है? क्यों? क्योंकि टेंजेंट है। क्या बोल सकता हूँ OC is equal to OC है? हाँ सर आपने फर्स्ट बता दिया था। क्या बोल सकता हूँ OP is equal to कितना है OR, तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन में ही करा था, यहाँ पे R है, ये कॉमन है और ये टेंजेंट फ्रॉम क्या है एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम क्या है एक्सटर्नल पॉइंट। तो सर आप ये बोलना चाहते हो क्या ट्राइंगल POC, POC और ट्राइंगल QOC आपस में कॉन्ग्रुएंट है? मैंने बोला हाँ यार, ये मैं बोलना चाहता हूँ कि आपस में क्या हो, ट्राइंगल POC एंड ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल व्हाट QOC। तो इससे होगा क्या, मजा इस बात का आएगा दोस्तों, तो ये बात होगी कि ये x हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा x, मतलब यहाँ पे अगर आप नाम दो तो एंगल वन और एंगल टू बाय सीपीसीटी आप लिख दो, एंगल वन और एंगल टू क्या हो जाएंगे x। आगे की बात बताऊं क्या होगा, आगे की बात ये होगी दोस्तों कि अगर मैं आपसे कहूं कि सिमिलरली, अगर मैं बात करूं सिमिलरली, मैं आपको बताता हूं सेम चीज इन ट्राइंगल क्यू ओ बी, ओ बी एंड ट्राइंगल आर ओ बी, तो एक तरफ तुम्हारे पास क्या है क्यू ओ बी, तरफ क्या है आर ओ बी, क्या इसको भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? हाँ सर आप बोल दो ना, आप क्या करोगे ओ क्यू, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, दोनों क्या है रेडियस, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कॉमन है, और शायद बी आर इज इक्वल टू कितना बी क्यू, बी आर इज इक्वल टू कितना, क्योंकि वो क्या है टेंजेंट है। तो सर आपने तो फिर से क्या कर दिया एस 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 से क्या कर दिया कॉन्ग्रुएंट, तो क्या बोल सकते हैं थ्री इज इक्वल टू कितना फोर, तो सर आप क्या बोलोगे एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर इज इक्वल टू कितना हुआ है। तो सर यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि अगर अगर ऐसा बोलता है 9 कि इफ, उन्होंने इसको बोला है कि अगर इसको अपन मान ले एक्स वाई, 9 ऐसा बोलता है, और इसको मान ले एक्स डैश वाई डैश, ठीक है ना, वो था कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है वैसे, वो ये बोल रहा है अगर ये लाइन्स पैरेलल है, ये लाइन्स क्या है, तो यहाँ पे पूरा 180 डिग्री बनेगा सेंटर पे, ऐसा यहाँ पे 90 बन रहा है, हाँ कि ना, वो ये बोलना चाहते हैं कि अगर लाइंस पैरेलल है, मतलब कौन सी CD पैरेलल टू कितना है AB, आप जैसा मान लो इफ CD पैरेलल टू कितना होगा AB, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या बनेगा 90, यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या बनेगा 90, समझ में आ रहा कहने का मतलब, इसका मतलब ये अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन हो गई, हाँ कि ना, अरे ये 90 ये 90 ये 90 ये 90, हाँ कि ना, वो ये बोलना चाहते हैं कि x plus y plus y is equal to कितना होना चाहिए 180, भाई x plus x
प्लस वाई प्लस वाई कितना होना चाहिए 180। तो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई कितना होना चाहिए 180। ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई कितना होना चाहिए, इसका मतलब x प्लस वाई कितना होना चाहिए 90। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 90। तो तुमसे क्वेश्चन नंबर 9th में, क्वेश्चन नंबर 9th में ये पूछा है कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है कौन सा वाला एंगल ए ओ बी, मतलब पर्टिकुलरली याना एंगल, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से बी ओ सी बन रहा है, कौन सा बन रहा है बी ओ सी ले लो, तो ये दो चमकीला एंगल बी ओ सी, ठीक है ना, दिखा गया तुमको थोड़ा सा चमक चमक, एक बार और बढ़ाया इसकी चमक, ये हो गया एंगल कौन सा बी ओ सी, ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए 90। तो क्या सर ये 90 हो गया क्योंकि ये कितना है तुम्हारे पास x और ये तुम्हारे पास कितना है y, और एक x है और एक क्या है तो x प्लस y हो गया ना एंगल, तो एंगल बी ओ सी कितना हो गया 90, एंगल बी ओ सी कितना हो गया 90। गॉट इट। ऐसे ही अगर आप यहां से देखोगे तो यहां से आपका एंगल ए को बी, एंगल ए ओ बी वो भी कितना हो जाएगा, ऐसे ही अगर इस एंगल से देखोगे तो एंगल सी ओ डी कितना हो जाएगा, एंगल सी ओ डी कितना हो जाएगा 90। और ऐसे ही अगर यहां से देखोगे तो यहां पे एंगल ए ओ डी भी कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ डी कितना हो जाएगा। तो सर क्या अपोजिट एंगल्स मिला के 180 हो गए क्या, अगर मैं बात करूं AOD भी कितना हो जाएगा 90। तो सर आपसे बोला क्या था, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या बोला, तो सर क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा था कि आप बस इतना बोल दो क्वेश्चन नंबर 13, मैं अगर क्वेश्चन नंबर 13 की स्पेसिफिकली बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 13 ये बोलना चाह रहा था कि आप ये प्रूफ कर दो कि AOB और COD कितना है 180। तो अभी हमने बोला अगर इफ ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल की जगह पैरेलोग्राम होता तो ए ओ बी कितना होता 90 और सी ओ डी भी कितना होता 90, 180 हो जाता। और सर अगर अदरवाइज भी लें तो अदरवाइज भी एक एंगल दिखा दूं मैं आप लोगों को समझने का, अगर बच्चे साथ में चले तो बड़ा मजा आएगा। अभी यहां तक समझ में आ गया सर, अगर अपन इसी फिगर को फिर से बनाए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए तो सर आप क्या समझाना चाहते हो, समझो ये क्वाड्रिलेटरल अगर होता और इसके अंदर अगर ये पूरा सर्कल होता तो जो अपन कॉन्ग्रेंसी प्रूफ कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ए बी सी और डी साथ में चलना बड़ा मजा आएगा, इसको मान लिया पी, इसको क्या मान लिया क्यू, इसको क्या मान लिया आर और इसको क्या मान लिया एस। तो दिल से बताओ क्या अभी अपन ने इन दोनों ट्रायंगल कौन से वाले ट्रायंगल वन और ट्रायंगल टू को कॉन्ग्रेंस प्रूफ करा, कैसे ये और ये आपस में क्या है इक्वल, ये क्या है कॉमन और OP is equal to क्या है OQ। तो सर ये दोनों एंगल आपस में क्या हो XX। सर वैसे ही अगर आप चाहो तो आपने इस वाले ट्रायंगल को भी इक्वल किया तो ये और ये आपस में क्या है इक्वल, ये कॉमन, ये भी रेडियस और ये भी क्या है, तो ये क्या हो जाएगा Y Y। अगर ऐसे ही बोलूं तो यहाँ पे वापस से कॉन्वेंसी हो गए तो ये क्या हो जाएगा Z Z। और अगर वैसे ही यहाँ पे भी सब ट्राइंगल में कॉन्वेंसी चलती सर ये एस एस और एस, जैसे ये और ये आपस में क्या है इक्वल, ये क्या है कॉमन और ये रेडियस है और ये भी क्या है रेडियस, सही है यहाँ तक। तो बताओ ये क्या हो जाएगा W और W। अब एक बात पूछनी थी इस पूरे को मिला के, अगर बच्चे इस चीज को समझ पाए और अच्छे समझ पाए, मुझे बताओ x प्लस y प्लस y प्लस z प्लस z प्लस W प्लस W मिला के कितना आ रहा है x x y y z z w w कितना हो रहा है सर 360 डिग्री कितना हो रहा है। तो सर इसका मतलब twice of x plus y plus z plus w is equal to कितना आ रहा है, इसका मतलब x plus y plus z plus w is equal to कितना हो जाएगा। एक बात बोलूं, अगर मैं तुमको ऐसा बोलूं इसका नाम दो, इसका नाम दो सर, किसका नाम दे हम आपको, मतलब देखो ना डी ओ सी क्या है बताओ, एंगल डी ओ सी सर, डी ओ सी है बताओ ना डी ओ सी, ये रहा एंगल डी ओ सी, ये क्या है एक्स प्लस डब्ल्यू,
और फिर इसके अपोजिट में क्या है, ए ओ बी, इसके अपोजिट में क्या है, ए ओ बी, वो क्या है, जेड प्लस कितना वाई, ये रहा ना, अरे कौन सा एंगल है, जेड प्लस वाई। तो बताओ डी ओ सी और ए ओ बी मिला के क्या हो जाए, अभी तो आपने लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना होता है 180। सर इधर के 180 हैं तो बचे हुए उधर के भी क्या हो, सर कौन से वाला एंगल बता रहे हो आप, अगर बात करूं तो ये वाला एंगल्स बताओ, ये क्या है w और z और ये क्या है x और y, तो क्या तुम बोल सकते हो एंगल AOD, ये रहा AOD और यहाँ पे क्या है COB, तो AOD प्लस एंगल कितना COB, ये भी क्या हो गया आपके पास W प्लस Z प्लस X प्लस Y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 180, क्या हो जाएगा आपके पास, क्या सही है क्या यहाँ तक, सर यार ये तो अच्छा क्वेश्चन था, मतलब चीज सेम ही थी। क्वेश्चन नंबर आपसे 10th करवाना था, क्वेश्चन नंबर 10th कहीं से कहीं तक अपनी, वो तुमसे पूछता है प्रूफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, मतलब वो आपसे ये प्रूफ करवा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10th आप ऑलरेडी कर चुके हो सर, कैसे, वो ये बताना चाहता है क्वेश्चन नंबर 10th में कि ये प्रूफ करो कि एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, क्वेश्चन नंबर 10th आपकी ही बुक का, कि दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज सप्लीमेंटेड टू द एंगल सब्टेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसका मतलब वो ये बोलना चाहता है कि ये प्रूफ करो कि ये जो एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ये लाइन एंगल पी प्लस एंगल ओ कितना होगा 180, वो ऐसा प्रूफ करना करवाना चाहता है। हमने बोला अरे चप्पड़ गंजू, ये 90 ये 90, मतलब हम बोल देंगे भैया यहाँ पे ए है, वह एंगल ए कितना है 90, एंगल बी भी कितना है, क्योंकि क्यों 90 है, टेंजेंट टू रेडियस, टेंजेंट टू कितना, तो टेंजेंट टू रेडियस कितना हो गया तुम्हारे पास 90। अब मुझे बताओ अगर मैं आपसे बात करूं और सिस्टमेटिक बात करूं तो क्या हो सकता है, बोल सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360, तुम्हारे ये दोनों मिला के तो 90 प्लस 90 हो ही गए, तो बताओ बाकी बचे हुए एंगल P प्लस एंगल O कितना होगा, वही उसने बोला है। ऐसे में एक क्वेश्चन को छोड़ के जो अपने आप में करिश्माई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 को छोड़ के आपका पूरा सर्कल खत्म होता है।